बाबा जी ने कभी उस व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जो उनसे शरण मांगने आया। उन्होंने उसकी जिंदगी अपने हाथ में ले ली। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक बार उनसे मिलने के बाद फिर वे अपनी मर्जी से आपके आचरण और कृत्यों को दिशा देंगे और धीरे धीरे अनेक जन्मों के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार जब ये बंधन खत्म हो जाएंगे तो आपको माया की गुलामी से भी मुक्ति मिल जाएगी। केवल आपके बंधन ही नहीं टूट जाएंगे वरन आपको पुरस्कार भी मिलेगा। जैसे कि मैं तत्व की असलियत जान पाता अर्थात आत्म साक्षात्कार या आत्म का ज्ञान। एक बार जब आप इस आध्यात्मिक दायरे में चले जाएंगे तो जान लीजिए वहाँ समय का भान भी नहीं रहता। आप बस उसके विस्तार में तैरते रहते हैं। वहाँ किसी गंतव्य पर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं होती। आपको तब मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। दरअसल आप तो उससे भी ऊपर के स्तर पर पहुँच जाते हैं जिसे कैवल्य मोक्ष कहा जाता है। वहाँ पर तो आप सदा सदा के लिए उनके साथ एक ऐसे मधुर आलिंगन में रहते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता या जो विश्वास के परे का है। तलाशे तलम में वो लज्जत मिली है। दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल न आए। मुझे अपनी प्यास और उन्हें ढूंढने में की गई कोशिश में वो लज्जत और खुशी मिली है कि मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि उस मुकाम या मंजिल तक ही ना पहुँचूँ। अब सवाल इस बात का है कि ऐसा गुरु आपको कहाँ मिलेगा। क्या आपको उनकी खोज करनी पड़ती है या वे स्वयं आपके पास आते हैं। अब इस बात को कैसे जाना जाए कि वो ही असली गुरु हैं या आपको ठगा जा रहा है। इसका एक ही जांचने का तरीका है और वो है कि जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप उन्हें अनंत काल से जानते हों और आपके मन में इतनी तृप्ति होती है कि फिर आगे और कुछ तलाशने की इच्छा ही नहीं रह जाती है। वास्तव में सारी बात का यही निचोड़ है कि आपके गुरु ने आपको चुन लिया है और अब आपको और कहीं नहीं दौड़ना है। आपके मन में ईश्वर तत्व की जो भी अवधारणा होती हो वो आपको उनमें दिखाई देती है। पिछले जन्मों में जिस क्षण के लिए आपको तैयार किया जा रहा था वो सब अब आपको उनके साथ की मुलाकात के जादुई क्षण में दिखाई दे जाता है। जबकि आप और वे मुँह दर मुँह खड़े होते हैं और मुझ भावोद्वेग से भरा दिल आपके आंसुओं के माध्यम से वह निकलता है। उनके सामने रोते हुए और उनके चरणों पर गिरते हुए जो आंसू उनके चरणों पर पड़ते हैं वे एक तरह की आपकी मुक्ति की पुष्टि हैं। मेरे अपने गुरु परम पूज्य बाबा नीप करोरी से पहली मुलाकात सन 1954 के जुलाई के महीने में हुई। मैं करीब 14 साल का था
और अपना हाई स्कूल का इम्तिहान पास कर लिया था, और वो भी शर्मिंदगी से भरने वाले 40% से भी कम नंबर लेकर। महाराज जी अर्थात बाबा नीप करोरी इलाहाबाद में हमारे घर आए हुए थे, जहाँ कि मैं अपने चाचा मुकुंदा के साथ रहता था। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि शाम का अंधेरा हो चला था और मैं इलाहाबाद के टैगोर टाउन के 50 नंबर वाले घर के सामने ही खेल रहा था। बाबा जी रिक्शे में आए और मुकुंदा अपनी साइकिल पर बाबा जी के घर के सामने सड़क के किनारे ही बैठ गए। उस वक्त मुझे इस बात की कोई कल्पना नहीं थी कि मैं अपने गुरु से मिल रहा हूँ, जो कि 3 साल के बाद मेरे अपने व्यक्तित्व की संरचना को एकदम बदल कर रख देंगे। हमारे घर के सब बच्चे उन्हें घेर कर खड़े हो गए और बाबा जी हम सबके साथ हमजोलियों जैसी बातें करने लगे। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे पास अपनी खुद की साइकिल होगी और क्या मैं इंटरमीडिएट सेकेंड डिवीज़न से पास कर पाऊँगा। बाबा जी ने कभी उस व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जो उनसे शरण मांगने आया। उन्होंने उसकी ज़िंदगी अपने हाथ में ले ली और उसके पिछले संचित कर्मों का लेखा ही बदल डाला। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।